हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई मैं भी देखो नहा धो के एकदम तैयार हो गया हूँ और मैं घर निकल रहा हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था मेरी पूरी टीम कल ही चली गई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम था, सुबह ही सुबह वीडियो अपलोड करने होते हैं, इसीलिए मैं आज जा रहा हूँ। और हाँ, एक और यार आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि भाई कल रात को मेरे इंस्टाग्राम पर 100K फॉलोवर कम्प्लीट हो गए हैं। तो आप सभी को यार तहे दिल से लव यू एंड शुक्रिया यार, इतना सारा सपोर्ट किया आपने मुझे। मैंने सोचा नहीं था भाई इतनी जल्दी 100K इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हो जाएंगे, लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हो गए। तो अभी चलते हैं यार, क्योंकि घर पर दीदी आ गई हैं और कॉल भी आ गया है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो चलते हैं, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और हाँ यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार जल्दी से। तो गाइस, ये मेरी अपाचे है जो कि खराब हो गई है, तो इसे लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है आपके भाई के पास पैसा बहुत है, करोड़ों में खेलता है आपका भाई, तो अब किससे जाने वाला है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कल ही मैंने ली है 3.5 करोड़ की, तो आज हम लोग इससे जाएंगे। ये देखो गाइस, कल ही मैंने ये बिल्कुल न्यू फ्रेश ऑर्डर कराई है 3.5 करोड़ की बाइक है, और आज मैं इससे जाने वाला हूँ, पूरे गांव में रौला काट दूंगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, पूरे गांव में रौला काट दूंगा भाई, जाम कर दूंगा आज पूरे दौड़ को। जब मेरी ये 3.5 करोड़ की बाइक वहाँ पे देखेंगे ना, गाँव वाले पागल हो जाएंगे कि भाई ये बंदा छोटे से गाँव से आके इतना बड़ा यूट्यूबर कैसे बन गया और 3.5 करोड़ की बाइक ले ली। तो अब बिना देरी किए चलते हैं, बिना जूते चप्पल भी मिल जाएंगे हमें फ्री में, इसीलिए चलते हैं। और उसके बाद मैं अपनी इसी इतनी महंगी बाइक को स्टार्ट करता हूँ, सीधा निकल जाता हूँ घर के लिए। रास्ते में जाते हुए भी मैं थोड़े शॉट ले लेता हूँ, लेकिन तभी मुझे याद आता है कि इसमें पेट्रोल नहीं है, और मैं पेट्रोल पंप पे रुक जाता हूँ। मैं पेट्रोल वाले भैया से कहता हूँ, भैया 70 रुपए की डालना, उससे ज्यादा नहीं। साला टेंशन फ्री तो ऐसे रहता हूँ जैसे अंबानी की चौथी औलाद मैं ही हूँ। जिसके बाद मैं घर पहुंच जाता हूं और मेरी माता श्री मुझे ऐसी नजरों से देखती है जैसे मैं बॉर्डर से आया हूं, लेकिन मैं अपने संस्कार नहीं भूलता। पहले माता जी के, उसके बाद दीदी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता हूं, जिससे कि मेरा जिंदगी में कुछ हो सके। वैसे पैसा बहुत है मेरे पास। रास्ते में मेरी हालत धूप से खराब हो जाती है, मुझे देखते ही एसी भी खराब हो जाती है, क्योंकि इसे पता है कि ये इस लायक नहीं कि एसी में बैठ सके। तभी मेरी सिस्टर बिना देरी किए अपना वो परम कर्तव्य निभाने के लिए आ जाती है, जिसके लिए वो पूरी साल वेट करती है। वैसे उसकी तरफ से इतना सारा प्यार देखकर मैं भी थोड़ा चकित रह जाता हूँ, क्योंकि वैसे तो पूरी साल वो मुझे कुत्ता, कमीना, उल्लू, लोफर कुछ भी कह के बुलाती है, लेकिन आज इतने प्यार से मुझे तिलक कर रही है और साथ में इतना प्यारा घेवर भी लाई है। तो इस मेहरबानी की वजह आप जानते ही हो, आज रक्षाबंधन है इसीलिए इतना प्यार लुटाया जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता उसका ये कंजूस भाई उसके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया है। वैसे पैसा बहुत है मेरे पास, और अगर मैंने इसे राखी बांधने के ज्यादा पैसे दे दिए तो ये ज्यादा पैसे वाली हो जाएगी, उसके बाद मर्सिडीज, ऑडी, कोई भी गाड़ी ले लेगी, और ये सोचेगी क्या इतनी महंगी गाड़ी लेके गांव में जाना चाहिए, फिर ये आएगी नहीं और मुझे ही घर पे बुलाएगी कि आजा दाखी बंधवा जाए। इसलिए मैं इसे ज्यादा पैसा ना देते हुए केवल 500 रुपए देता हूं। वैसे ये सारा मजाक था, क्योंकि हम सब जानते हैं बहनें कभी भी पैसे लेने नहीं बल्कि भाइयों के प्यार के लिए हमेशा घर पे आती हैं। तभी मुझे खबर मिलती है कि मेरी मदरलैंड मामा जी को राखी बांधने के लिए जा रही है और उनका ऑटो आ गया है। मैं उनका बैग उठाता हूं और सीधा उन्हें ऑटो में बिठा देता हूं, क्योंकि जिस तरह से मैं अपनी बहन का इंतजार कर रहा था उसी तरह से मेरे मामा जी अपनी बहन का इंतजार कर रहे होंगे। और नानी के जाते ये छोटे छोटे चोर नानी की दुकान का ताला तोड़ने का भरकम प्रयास करते हैं, लेकिन ये इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि ताला इनकी पौंड से बड़ा है। जाते जाते मेरी माताजी मुझे एक परम कर्तव्य निभाने को बोल के गई थी, उन्होंने बोला था जो भी सामान है उसे दीदी के घर पहुंचा देना। अब मैं अपनी माताजी की बात कैसे टाल सकता हूं, और मैं इस बोझे को अपने कंधे पे रख के सीधा दीदी के घर पहुंच जाता हूं, जहां मुझे रास्ते में जाम भी मिल जाता है, लेकिन इन सब की परवाह ना करते हुए मैं अपने कर्तव्य को निभाने में सफल हो जाता हूं। यहां आके देखता हूं कि मेरी दीदी की बेटियां आराम से भाई बैठी हुई हैं और अपने कार्टून देख रही हैं, लेकिन ये मुझे ऐसी नजरों से क्यों दिख रही हैं? क्या मैं चोर लग रहा हूं क्या? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। ओ अच्छा, याद आ गया, ये ना थोड़ा कैमरे को देख के सोच में पड़ गई हैं, लेकिन मैं उसे ढूंढ रहा होता हूं जहां मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि धूप में मेरी हालत खराब है। हाँ, ये मिल गई, इसके आगे मुझे बड़ा सुकून मिला, और ये सारे बच्चे कार्टून देखने में मस्त हैं। तो गाइस फाइनली अपनी माता की जिम्मेदारियों द्वारा दिए गए बोझ को मैं लेके दीदी के घर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद दीदी के कमरे में आराम से एसी चला के मैं थोड़ा सा सुकून महसूस करता हूँ। और ये पावनी जो मेरे साथ आई थी, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। पावनी बोलो। अरे वाह, पावनी का कहना है कि आप लोग ब्लॉग देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। Thank you.
तभी मुझे पता चलता है कि मेरी दीदी के ससुर साहब अपने लिए एक न्यू बाइक लेके आए हैं, लेकिन आज इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? वो याद आया, ये भी प्रेमानंद जी महाराज से प्रे देते हैं। और उसके बाद आखिर वो घड़ी आई जाती है जिसका हर भाई को अपनी बहन के घर पर पहुंचने के बाद इंतजार रहता है, मतलब खाना। अब इतना स्वादिष्ट खाना देख के भाई मेरे मुंह में पानी आ गया, और मेरा सुबह से फास्ट था तो मैं बिना देरी किए इसे चट कर देता हूँ। पावनी, अच्छा पावनी तुम मेले में किसके साथ जाओगी, मेरे साथ या मम्मा के साथ, बताओ जल्दी। आपके साथ। मेरे साथ? क्या खिलाओगी मुझे मेले में? आइसक्रीम। ओ वाओ, आइसक्रीम। और क्या खिलाओगी? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो गाइस वो मुझे मेले में आइसक्रीम खिलाएगी और कुछ नहीं खिलाएगी। अच्छा ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या खिलाओगी जल्दी बताओ? तो मैं भी नहीं खिलाएगी भाई, इतना पैसा नहीं है उसके पास, उसमें अंदा पैसा नहीं है। गाय ये ना बहुत प्यारी है और बहुत बात है, सच में इससे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद सीधी मेरी पलटन निकल जाती है जंग लड़ने के लिए, मतलब मेले में आप समझ गए होंगे यार, इतनी सारी भीड़ होती है तो बच्चों के लिए एक वो जंग ही होती है, तो उसे लड़ने के लिए हम निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही मैं ना सोच में पड़ जाता हूँ कि भाई यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है तो मेले में क्या हाल हो रहा होगा। अब मैं और ज्यादा सोच में पड़ता हूँ क्योंकि मेरे साथ तो बच्चे थे। जैसे ही मैं मेले में पहुंचता हूँ मुझे एक हाई वोल्टेज का लगता है क्योंकि मेले में हर तरफ कीचड़ हो रखा है। इस सब की परवाह ना करते हुए मैं झूले के टिकट ले लेता हूं और बच्चों के साथ झूले तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। उसके बाद हम सीधे झूले की तरफ चल देते हैं और यहां पे एक भैया बैठे होते हैं जो कि टिकट चेकर होते हैं, और मैं उन्हें ये टिकट देता हूं और आगे झूले की तरफ बढ़ जाता हूं। अब जैसे जैसे मैं झूले के पास जा रहा हूं भाई मेरी दिल की धड़कनें ना बढ़ती जा रही है क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है झूलों में बैठने से। तो गाइस अभी हम फाइनली इसमें झूले में आ गए और मैं क्या बताऊंगा यार, मेले में इतना पानी भरा हुआ है कि हालत खराब हो गई है यहाँ तक पहुँचने में। जैसा कि मैं ब्लॉग में आपको पहले ही दिखा रहा था, बारिश हुई है 2 घंटे, अब बारिश जाके थमी है, फिर हम मेले में आए हैं तो इतना पानी भरा हुआ है कि पूछो मत यार। और साथ में बच्चे भी हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है झूलों तक पहुंचने में, एक से दूसरे झूले तक। थोड़ी देर के बाद हमारी ये कोलंबस ट्रेन निकल पड़ती है अपने यात्रियों को लेके अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं वैसे ये इतना डरावना भी एक्सपीरियंस नहीं है जितना डरावना बड़े झूलों में बैठने से होता है। ये थोड़ा कूल है यार, इसमें मुझे मजा भी आ रहा है और मेरे साथ साथ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा होता हूं तभी मेरी नजर पीछे बैठी वाली दीदी पे पड़ती है, वो भी अपनी रील बना रही है। तो क्या बात है यार, दो क्रिएटर एक साथ एक ही झूले में। क्या बोला कि तुम जैसे क्रिएटर गली गली मिलते हैं? हाँ तो गली गली तो मिलेंगे क्योंकि आगे बढ़ना होता है तो पहले गली गली घूमना पड़ता है, उसके बाद ही तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं अपनी रईसी का पैसा देते हुए बड़े वाले झूले में चला जाता हूँ क्योंकि तुम तो जानते हो यार पैसा बहुत है मेरे पास तो उड़ाना तो होगा। झूले से उतरते ही मेरी नजर पड़ती है सस्ते फलूदे पे, और आपको पता है तुम्हारे भाई के पास पैसा बहुत है तो सस्ता फलूदा तो खाएगा, फिर कोई खाने से रोक नहीं सकता। उसके बाद मैं इस भैया से बोलता हूँ भैया एक गिलास मेरा भी लगा दो, और मैं इनसे बोलता हूँ भैया इसमें मैंगो एंड वनीला आइसक्रीम डाल देना, कुछ ड्राई फ्रूट भी। उसके बाद ये भैया मुझे मेरी औकात दिखाते हैं और चुपचाप मुझसे 20 रुपए लेके रवाना कर देते हैं। अब बात ये कुछ खिलौने खरीदने की, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ यहाँ की ट्रैफिक पुलिस भाई बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रही है और जरा भी जाम लगने नहीं दे रही क्योंकि मेले में इतनी भीड़ है, जाम लगा दो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मेरा भतीजा लेता है ये और क्यूटी पाई अपने लिए एक दूरबीन लेती है, और हम कुछ खाने के सामान पैक कराते हैं और सीधा घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं हम पहले से बहुत लेट हो गए और जीजू के लगातार कॉल आ रहे हैं। इन सबको घर पर छोड़ने के बाद सभी को बाय बोल के मैं अपने रूम के लिए निकल जाता हूं। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय एंड राधे राधे।